जुलाब करेगा क्या? चाहे कुछ आवाजें आ रही है हमको, पता नहीं कैसी कैसी आवाजें आ रही है। हेलो सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आई होप तो सारे कैंट हो गए, नितिन शुरुआत हो चुका है और आज है 26 जनवरी और कल है 27 जनवरी और कल है तंदन बाबा दीप सिंह जी का प्रकाश पूर्व, जो कि मनमाड़ हम लोग सारी संगत जा रही है और मनमाड़ में बहुत ही प्यार और सत्कार से मनाया जाता है। सारी फ्रेंड्स वगैरह, सारे घर के ग्रुप के मेंबर्स वगैरह सब रेडी हो चुके हैं, तो सारे सिंह खड़े वाहेगुरु जी की फतेह। तो गाइज अभी चलते हैं, अभी गाड़ी आने वाली है हमारी अराउंड 10 से 15 मिनट में, तो राइट नाउ स्टेशन पे है। अब यहाँ से निकलते हैं और गाड़ी का इंतजार करते हैं और फिर गाड़ी में बैठ के जाएंगे हम लोग मनमाड़ की ओर, तो हम मिलते हैं आपको सीधा गाड़ी में। हाँ भाई बोलो क्या हुआ, भाई बोलो क्या हुआ, बोलो भाई बोलो। सीधा बाबा एलआईसी एलआईसी अरे एलआईसी अरुण दिस इज फॉर यू। सो गाइस हम लोग अरुण भाई को, अरुण भाई ये देखो, अरुण भाई लेके आए हम लोग चक्कू चुम्मी है। तो गाइस राइट नाउ इधर से स्टेशन पहुंचे हैं और यहां पे थोड़ा कुमार गेट है और यहां से निकले हैं और अभी यहां पे एक ट्रेन आ जाती है और अभी देखते कितना टाइम लगता है और यहाँ से ये लोग बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे हैं। लुक एट दिस वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जा रहे हो तुसी ना जाओ हमारे जीत भाई हमारे उस्ताद जी बैठे खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। पानी पीना है आपको हमारे नौमान नौमान जयकर हमारो जयकर हमारो पानी पी सकते चलो चाय बाबा जी कौन सेवा कर रहे हैं? गोल्डी सिंह मैं सोचा थोड़ा गरीब आया कौन है ऐसी सेवा कर लिया क्या हुआ क्या हुआ? अरे बाप रे बाप घुरा जुलाब करेगा क्या? अरे क्या किया कोना में तुझे मिक्स करके तो थोड़ा ऐसा मिला के दो भाई छोटा था भाई क्या हुआ अभी इसके साथ? मैं उधर वॉशरूम में गया उधर से पानी भर के आया ये पी लिया वॉशरूम का पानी देखो इससे तुमने वॉशरूम का पानी पिया है? तो गाइस पेन नहीं चल रही है
सो गाइस हमको ये सब्सक्राइबर मिल चुका है हमारा, आपको कैसा लगता है हमारा ब्लॉग देख के? सब्सक्राइब करो हमको। हाँ हाँ। तो भाई आप भी से कुछ आवाजें आ रही है हमको, पता नहीं कैसी कैसी आवाजें आ रही है। गाइस मैं अपने गधे में बैठने जा रहा हूँ। तो गाइस लास्ट स्टॉप ट्रेन रुक चुकी है और अभी काफी देर बाद में वीर जी आए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। काफी देर बाद आए हमारे से मिलने। कहाँ थे वीर जी अभी आप तक? मैं गया था थोड़ा दुबई गया था। अच्छा, तुम्हारे चाचा ने लगाई है ट्रेन दुबई तक? अरे मतलब मैं दुबई गया था। अच्छा, वॉशरूम गए थे? तो अभी मनमाड़ आ गया है। तो गाइस पहुंच चुके हैं मनमाड़, अभी निकलते हैं यहाँ से बाहर। शाबाश, ये हमारे साथ हैं आज भाभी और ये है नुमान सिंह। वाहेगुरु जी की फतेह। नुमान कहाँ पे आया है तू? कहाँ पे? गटका खेलने आया है। अरे वाह, चलो चले। तो अभी इस बैग के लिए जुगाड़ करना पड़ेगा कुछ। तो गाइस अभी राइट नाउ स्टेशन पे उतर चुके हैं और यहाँ से अभी गुरुद्वारे की ओर निकलेंगे। यहाँ से गुरुद्वारा अराउंड 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, तो जो कि हम पैदल भी कवर कर सकते हैं। तो साथ में हमारे काफ़ी सारे बैग और शस्त्र भी हैं, तो यहाँ से ऑटो कर लेंगे। एक ऑटो कर लेंगे जिसमें कुछ सिंह चले जाएंगे और शस्त्र हमारे चले जाएंगे, और बाकी सिंह हम पैदल पैदल रह जाएंगे। ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं, जो हम पैदल पैदल कवर कर सकते हैं इतना ही डिस्टेंस है। तो अभी बस बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। भाई इसमें आत्मा आ गई है क्या? भैया किसकी लाश लेके जा रहे हो? टपा 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 मार, टपा मार। अरे अंदर जो। अच्छा रूल फॉलो कर रहा है, रूल फॉलो कर। तो गाइस पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा गुप्तसर साहिब मनमा। सबसे पहले गुरु महाराज की गज के जकारे गजावे निहाल हो जावे। साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी दे मन नूं पावे। गाइस अभी राइट नाउ जो हमको रूम मिला है, मैं अभी आपको वो रूम दिखाने जा रहा हूँ कि हमें कैसा रूम मिला है। तो आपको दिखाना चाहता हूँ, देख सकते हैं ये S7 करके रूम है। तो अभी रूम देखते हैं कैसा है। भाई ये क्या था? मैं जन्नत का व्यू दिखाना चाहूँगा, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए गुरुद्वारा साहिब का व्यू, जैसा कि देख सकते हैं जैसे ही विंडो ओपन करेंगे सामने गुरुद्वारा साहिब का व्यू देख सकते हैं। इतना अच्छा रूम मिला हमको एज इट इज गुरुद्वारा साहिब के ऑपोजिट में। तो राइट नाउ अभी रात को हम लोग यहाँ पे सोएंगे, करण, मलकीत, गोल्डी और जी और एक और बंदा हमारे साथ आएगा जो कि है मीत सिंह। तो बस पांच गद्दे हैं, पांच लोग हम रहेंगे, इससे ज्यादा नहीं। ये भाई सो के दिखाएंगे कैसे सोते हैं। एक लाख नीचे रखने का, हाँ दूसरा भी नीचे रखने का, हाँ फिर से मुड़ जाने का, मुड़ जाने का। अच्छा ओके। तो गाइस अभी हम लोग गुरुद्वारे समाप्ति के बाद आ चुके हैं। आज यहाँ पे बहुत अच्छा रेंज भाई कीर्तन रहा, जो कीर्तन का हमने बहुत अच्छी तरीके से आनंद लिया है। तो उसके बाद हमने पांच बाणी का पाठ किया, हमने फ्रेंड्स ने, मैंने, मीत ने, करण ने और बाकी सारे सिंह ने, सबने पाठ किया है। तो अभी पाठ करने के बाद राइट नाउ सुबह के 4 बज रहे हैं,
तो अभी बस समाप्ति वगैरह गुरुद्वारे में अभी और पार्ट होगा ताकि अमृत वेले का पार्ट इस टाइम होता है। तो अभी हम लोग सोएंगे और इसको इसके बाद 12 बजे से पहले हमको रेडी शेडी होना है बिकॉज दोपहर को जो नगर कीर्तन है वो हम आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाएंगे। तो राइट नाउ अभी सोने की तैयारी है। तो चले मीतवीर जी रूम में सोने। हाँ जी, हाँ जी, करण सिंह। हाँ भाई चलो चलो जी सोने। नींद तो नहीं आ रही है तो अभी थोड़ा सवेरे नगर कीर्तन है तो उसकी भी तैयारी करनी है तो उसके लिए थोड़ा आराम करना जरूरी है। तो थोड़ा सोना जरूरी है, अगर सोएंगे नहीं तो सवेरे रास्ते में ऐसे लोडे खाएंगे हम लोग। तो देख सकते संगत अभी भी आ रही है राइट नाउ। रात के कितने, सुबह 4 बज रहे हैं हमने तेरे, तो संगत अभी भी आ रही है देख सकते हैं। तो अभी चले हम लोग। हाँ जी, हाँ जी। हमारा रूम कहाँ है, रूम दिखाइए जरा। पूरी बिल्डिंग है हमारी। चलो रूम नंबर 7 ये हमारा कमरा नहीं है, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने ये पूरा बनाया तो उनका ही है। ओके तो गाइस मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। अगला ब्लॉग भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है जो कि नगर कीर्तन का होगा। तो मैं आपसे यही होप करूंगा कि आप ब्लॉग जरूर देखना। ये वाला ब्लॉग को आपने प्यार दिया, लाइक किया, कमेंट किया, शेयर किया और चैनल को सब्सक्राइब किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारे 2 के सब्सक्राइबर होने वाले तो वो भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवा दीजिए। तो इसके बाद हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, वो भी मॉर्निंग में। तो टिल देन के लिए बाय बाय, टेक केयर, रब रखा, बाय।